नमस्कार, आप सभी का मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार के करीब 125 करोड़ कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले अगले महीने सितंबर में इन्हें बड़ा तोहफा मिल सकता है, यानी इन लोगों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। साल 2024 के पहले 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक के महंगाई के AICPI आंकड़ों में लगभग साफ हो चुका है कि इनके DA और DR में कितनी बढ़ोतरी होगी। और सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने ऐसे में त्योहारी सीजन के शुरू होने से पहले ही इन लोगों को केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र कर्मचारी और पेंशनरों को जनवरी 2024 से DA और DR 50% की दर से मिल रहा है। पहले इसे शून्य करने की बात चल रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जीरो नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसे में जुलाई से अगले ही महंगाई भत्ते को वैसे ही काउंट किया जाएगा। ऐसे में महंगाई भत्ते में इस बार भी बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। पहले छमाही यानी जनवरी से जून 2024 के AICPI IW इंडेक्स के आंकड़ों से लगभग तय हो चुका है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। इस छमाही के आंकड़ों के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% का भी इजाफा हो सकता है। साल 2024 के पहले 6 महीने में AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में यह 138.9, फरवरी में यह 139.2, मार्च में 138.9, अप्रैल में 139.4, मई में 139.9 और जून में यह उछलकर 141.4 अंक पर पहुंच गया है। इस तरह जून तक महंगाई भत्ते का इंडेक्स 53.36% के स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो लगातार 4 बार महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के DA और DR में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे मौजूदा महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53% हो जाएगा। इससे 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से अधिक पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। दरअसल महंगाई भत्ता का गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर होता है। एक कैलकुलेशन की माने तो महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारी को प्रति महीने 540 रुपये और सालाना 6,480 रुपये के हिसाब से फायदा होगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 1,800 रुपये प्रति महीने है तो जो नया भत्ता होगा वो 53% ऐड हो जाएगा। इससे आपकी सैलरी में 9,540 रुपये प्रति महीने महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। 50% के हिसाब से बात करें तो 9,000 रुपये प्रति महीने बढ़ेगा। इसको कैलकुलेशन करें तो 9,540 - 9,000, ऐसे अगर कैलकुलेट करें तो 540 रुपये प्रति माह सैलरी में सालाना बढ़ोतरी होगी। अगर सालाना बढ़ोतरी की बात करें तो 540 × 12 यानी 6,680 रुपये प्रति वर्ष आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, अगर आप 18,000 रुपये की तनख्वाह पर सरकारी काम कर रहे हैं तो। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत अन्य लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये प्रति महीना है की बात करें तो उन्हें मासिक सैलरी 1,707 रुपये और सालाना 20,484 रुपये फायदा होगा। मैक्सिमम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर DA में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन अगर हम करें तो बेसिक सैलरी 56,900 रुपये प्रति महीने में नया भत्ता अगर ऐड होगा 53% तो 30,157 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। अब तक जो 50% मिल रहा था उसमें 28,450 रुपये ही ऐड होता था। अब कितना भत्ता मिल रहा है जो बढ़ोतरी होने के बाद 3% बढ़ोतरी होने के बाद जो भत्ता मिलेगा उसमें 1,707 रुपये प्रति महीने इजाफा होकर सैलरी आएगी। ऐसे में अगर हम बात सालाना की करें तो ऐसे सैलरी वाले को 20,484 रुपये सालाना का इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि DA और DR में यह बढ़ोतरी 11 जुलाई से ही लागू हो जाएगा। इन्हें ऐसे में बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन तो मिलेगी ही, साथ ही पिछले महीने का एरियर भी मिलेगा। ऐसे में आने वाला त्योहारी सीजन इन लोगों के लिए खास रहने वाला है। सरकारी सूत्रों की माने तो मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो नवरात्रि या फिर दिवाली से पहले केंद्र सरकार DA और DR में हाइक का ऐलान कर अपने कर्मचारी और पेंशनरों का बड़ा तोहफा दे सकती है।
फिलहाल सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को ऐलान को लेकर आधिकारिक रूप से कोई ताजा अपडेट नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि बढ़ोतरी का ऐलान जब भी हो बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2024 यानी बीते एक महीने से ही लागू माना जाएगा। साथ ही इसका एरियर भी मिलेगा। अब आपको बता दें कि सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार साल में 2 बार यानी 6 महीने में के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। केंद्र सरकार यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर करती है। इसका मकसद कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई में बढ़ोतरी के कारण जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो इसलिए करती है। DA और DR में पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी बढ़ोतरी जुलाई महीने में लागू माना जाता है। 1 जनवरी को और 1 जुलाई से घोषणा के समय तक का एरियर दिया जाता है। गौरतलब है कि COVID-19 के संक्रमण से पहले दिसंबर 2019 तक केंद्र कर्मचारी को 17% दर से महंगाई मिल रहा था। इसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 3 बार यानी 1.5 साल तक DA और DR में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन कोरोना के प्रकोप कम होने के बाद इसमें 11% की बढ़ोतरी कर इसे 28% तक कर दिया गया। फिर इसके बाद जुलाई 2021 में 3% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता और राहत 31% के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद जनवरी 2022 में फिर 3% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 34 स्तर पर पहुंच गया। उसके बाद उसी साल जुलाई महीने में केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों का DA और DR 4% की बढ़ोतरी के साथ 38% के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद जुलाई 2023 और जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार DA और DR 4% की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% के स्तर पर पहुंच गया। फिलहाल कर्मचारी और पेंशनरों को 50% की दर से महंगाई भत्ते के आधार पर सैलरी मिल रही है। आपके लिए ये खबर लिखे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज मिश्रा ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।